नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपका अपने इंडियन फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। दोस्तों, जब धान की फसल 50 दिनों की हो जाती है तब पौधों काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इस समय हवा का आवागमन कम होने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है, तो आज हम ऐसे ही बीमारियों की चर्चा करेंगे। जैसे धानों में ज़्यादातर शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट के लक्षणों की पहचान और कीटों की जानकारी, तनाछेदक सूंडी, पत्ता लपेटा सूंडी, तेला या फिर बोलते हैं इसको हॉपर, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसकी शुरुआत ऊपर पत्तियों की नोक से होती है और नीचे तक पत्तियां सूख जाती हैं, जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें पत्तियां ऊपर से सूखती हैं, एकदम सूखती हुई चली जाती हैं और धीरे धीरे पूरी नीचे तक सूखती हुई चली जाती हैं। इसके उपचार के लिए दोस्तों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 18 ग्राम और कॉपर सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करने से इसमें लाभ मिलता है। दोस्तों, उसके बाद इसमें लगती है शीत ब्लाइट की भी शिकायत आती है। इसकी शुरुआत खेतों के साइडों से ज़्यादा लगती है। जैसे फसल अवशेष जब पानी के संपर्क में आते हैं तब इसमें पौधे में नीचे से सफ़ेद स्पॉट्स से बनने लगते हैं। ये आँखों के आकार के होते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो आँखों के तरह स्पॉट हैं वाइट से बीच में, तो ऐसे थोड़ा डार्क कलर सा, इसको शीत ब्लाइट बोलते हैं। इसके उपचार के लिए थाइफ्लुजामाइड की 1 ml पर लीटर पानी में स्प्रे करने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हॉपर तेला, यह धान की जड़ों में लगता है। इसकी पहचान इस चित्र में दिखाए गए अनुसार कर सकते हैं। इस चित्र में जो ये भुनके जैसे दिख रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये रोग लगता है। जो पत्तियों जड़ों का सारा रस चूस लेते हैं और धान की पौध पेड़ अपने एकदम से पूरे ऐसा मान लो। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है और ये बहुत जल्दी, मतलब ध्यान ना किया जाए तो 2-3 दिनों में ही पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इसके उपचार के लिए दोस्तों पाई मेट्रोजिन 120 ग्राम पर एकड़ या डिनोटीफ्यूरॉन 80 से 100 ग्राम पर एकड़ का छिड़काव करने से लाभ मिलता है। उसके बाद दोस्तों ज़्यादातर सूंडी, तना छेदक और पत्ती लपेटा की शिकायत देखने को मिलती है। देखा होगा ज़्यादातर आपने खेतों में तितलियां उड़ती दिखाई देती हैं। यही तितलियां नर और मादा मिलने से अंडे देती है और अंडे देने के बाद वही सूंडी का आकार ले लेती हैं। तना छेदक और पत्ती लपेटा के लिए कार्टा हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 250 ग्राम पर एकड़ मात्रा का स्प्रे करें या कार्टा हाइड्रोक्लोराइड 180 ग्राम और इमामेक्टिव एंजाइट 80 ग्राम का छिड़काव करने से लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो को मैं ज़्यादा ना लंबा करके वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए